गाइस अभी हमारी तैयारी हो चुकी है, सुबह बताया था मैंने आपको, हम जा रहे हैं आज नैनीताल। और अभी आज बाजार आ रखे हैं, ये देखो कदर नाम सोटी किसको मारने के लिए ले जा रहे बटोन वाले खाली क्यों नहीं बटोन डाल। अभी हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने के लिए, अरे चलो ना आप भी चलो। हाँ क्यों नहीं आएंगे, अरे बताओ भाई तो काका जी नहीं बता रहे। और ये बोला रहा हमारा और ये बोला तो ये तो भाई। अभी हम संजू भाई और मैं जा रहे हैं और मस्त होकर के जाएंगे, मस्ती करते हुए एकदम बढ़िया। हाँ एकदम से। अभी भाई अभी और भी आदमी हमारे साथ, हम आगे जा करके आपको दिखाएंगे। टोटल 200 आदमी है भाई, पूरे टोटल 200 आदमी। आप देख सकते हैं दो बस होगी, क्योंकि दो बस नहीं भाई, 52 सीटर होगी, तो कितना हो गया, 4 बस हो गई, तो 4 बस जाने वाले हैं हम कर्णप्रयाग से। आज हम कर्णप्रयाग में रुकेंगे, तो भाई बहुत ही धमाल मचने वाला है, तो चलते हैं, मज़ा आएगा भाई, बहुत ही भयंकर वाला। रास्ते में दिखेंगे चमोली में जाएंगे। तो ये देखो भाई सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, और ये देखो दीदी जी सभी लोग आ गए हैं, नैनीताल का लंबा टूर। तो अभी मिलते हैं आपको रास्ते में, डायमंड बनने वाले भाई, शुभकामनाएं सबके लिए। तो गाइस गाड़ी चल पड़ी है, तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, करियो बोल तुम्हें उड़ाने आए हूँ, चुन चुन के फूल की मैं चढ़ाने आई हूँ। गाइस हम पहुंच चुके हैं चमोली में, और सभी लोग अभी यहां पर बैठे हैं, दीदी लोग भी और सभी लोग बैठे हैं, और अंकल जी भी आ रहे हैं। ये देखिए चमोली में पहुंच चुके हैं, ये देखिए, और यहां से हम दूसरी गाड़ी लेंगे और मस्त हो करके जाएंगे अभी। तो गाइस अभी हम कर्णप्रयाग वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं, सभी लोग बैठ गए हैं, और दीदी लोग भी, बुल्ला लोग भी, और बाकी सब लोग, अब बाकी कुछ आगे चले गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में, और ये देखिए यहाँ से कर्णप्रयाग का नजारा देखते होंगे, काफी सुंदर नजारा है, अभी उतरेंगे वहाँ पर आपको भी बताएंगे। उतर चुके हैं और अभी हम कर्णप्रयाग में पहुँच चुके हैं, देखिए यहाँ से बद्रीनाथ है 125 किलोमीटर, जोशीमठ है 81 किलोमीटर, और यह ग्वालधाम है 66 किलोमीटर, और रानीखेत है यहाँ से 124 किलोमीटर। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं सभी लोग, तो आज यहीं पर विश्राम करेंगे। हाँ देखिए वो है, ये पूरे खाने पीने का सामान है, और सभी लोग एकदम से खुशी से यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आरम्भ होगी हमारी यात्रा कल, तो आज का ब्लॉग शाम को होगा कम्प्लीट। तो देखिए भाई अभी यहाँ पर, और संजू बोला भी यहाँ पर देखिए अभी मस्त होगा, या स्वैग अलग ही स्वैग है संजू बोला का, देखिए। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही बड़ा हॉल है, और सभी लोग यहाँ पर हॉल में पहुँच चुके हैं, दीदी जी भी हैं सभी लोग। तो कैसा लगा कर्णप्रयाग तक का सफर? हाँ अरे आप भी बोलो सासू जी हाँ आपको कैसा लगा आंटी? बहुत अच्छा, अच्छा लगा दीदी जी? बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर अभी आ रहे हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। देखो भाई सभी यहाँ पर आ रखे, हाँ ये देखो भाई सब लोग पहुँच गए, और मैडम जी भी आ गए हैं, ये देखो। हाँ हाँ तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से नीचे का नजारा काफी सुंदर सा दिख रहा है। हाँ ये देखो भाई संजय बोला, हो भाई देखो भाई यहाँ से भयंकर दृश्य, और जो ये मठ वाला पानी है ना बहुत ही भयंकर भाई, इतनी भयंकर बारिश आ रही गाइस, मैं थोड़ा जूम आउट हूँ, यहाँ से देखियो भाई भयंकर भाई दृश्य, यहाँ से देखियो भाई भयंकर व्यू है यहाँ पर कर्णप्रयाग में, ये देखो गाइस भयंकर नजारे भाई यहाँ के।
ये देखो भाई। अभी संजू भाई और मैं अभी घूमने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा इधर घूमेंगे भाई उधर। तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी हम कर्णप्रयाग जो पुल है कर्णप्रयाग पुल और हम अभी यहाँ पर दूसरी छोर पे पहुँच चुके हैं संजू बुला और में यहाँ घूम रहे थे हम। और देखिए यहाँ से नज़ारा आपको काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है और ऊपर का नज़ारा आप देखेंगे ये देखिए भाई काफ़ी सुंदर कुछ बिल्डिंग है आपको दिखा। तो ये सीधा जो नदी आ रही है अलकनंदा हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र से आ रही है और भाई अभी यहाँ पर का माहौल कुछ है और सामने ही आपको दिखेगा ये पहाड़ पे जो चट्टान काट के अंदर से, तो अभी हम उसके अंदर से जाने वाले हैं तो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस देखिए अभी हम आपको सुरंग दिखाने वाले हैं और यहाँ से जो लोकेशन का अनुभव कर रहा हूँ मैं बहुत ही सुंदर बहुत ही गजब लोकेशन आ रही है यहाँ पर और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर भाई पहाड़ों का नज़ारा ऐसा है। तो अभी दिखाते हैं हम आपको सुरंग दिखाने वाले हैं। तो भाई देखिए संजू भाई और मैं चलेंगे साथ में। तो ये देखिए भाई यहाँ पर शहीद की स्मृति में यहाँ पर जो बन रखा है ये देखिए शहीद की स्मृति में बन रखा है ये देखिए अमर शहीद विश्व प्रसाद ये देखिए पोखरी आगमन पर आपका स्वागत है हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए भाई काफ़ी लंबी सुरंग है यहाँ पर ये देखिए तो इसकी जानकारी हम बाद में देंगे और पहले हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ये देखिए। तो पहले ज़माने में ये उससे हाथों से बना जो छीनी होता है उससे बना हुआ ये देखिए पूरा भाई हाथ से कर रखा है इसको ऊपर से बिठा कर रखा है ये देखिए आप देखेंगे और इसके अंदर से पूरी बस भी जा सकती है। और देखिए आप काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये देखिए भाई बहुत ही सुंदर बहुत ही बड़ी गुफा है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी संजू भाई और मैं जा रहे हैं यहाँ पर कर्ण मंदिर में और कर्ण मंदिर की जो विशेषता है तो आपके उसके बारे में बताएंगे। तो पहले करवाते हैं आपको कर्ण भगवान जी के दर्शन तो यहाँ बारे में बता उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे क्योंकि चलते चलते में उतना समय नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर देखिए भाई हम अभी पहुँच चुके हैं कर्ण मंदिर में तो यहाँ पर जूते निकालेंगे उसके बाद थोड़ा दर्शन करेंगे। और हनुमान जी भी यहाँ पर देखिए भाई एकदम से भाग रहे ये देखिए यहाँ पर हाँ अभी पुजारी जी भी हैं तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर घंटियाँ लगी हैं बहुत ही बढ़िया घंटी लगी है ये देखिए संजू बुला भी है। तो आज का ब्लॉग भाई कर्णप्रयाग में बन रहा है ये देखिए। तो ये जो मंदिर है तो यहाँ पर देखिए पूरा ही जो पत्थर में है तो पूरा पत्थर में बन रखा। तो यहाँ पर देखिए तो कर्ण भगवान आए होंगे तो देखिए पूरे विशाल पत्थर में बस रखे हैं भाई पूरा चट्टानी चट्टान है यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी चट्टान है वहाँ पर देखेंगे वहाँ भी चट्टान है देखिए पूरा ही चट्टानी चट्टान आपको यहाँ पर दिख रहा है ये देखिए भाई यहाँ पे जो है श्री कृष्ण भगवान जी ने अंतिम संस्कार किया था कर्ण का। अच्छा अच्छा इसलिए इसको कर्णशिला और इस जगह का नाम कर्णप्रयाग है। अच्छा अच्छा उन्होंने जो है अधर्म का साथ दिया था ना जो अधर्म का साथ देता है उसको वैकुंठ नहीं होता है तो इसीलिए कर्ण भगवान जी को यहाँ पर भगवान ने ताकि मोक्ष प्रदान हो उसको पहचानते हैं। हाँ हाँ तो गाइस देखिए भाई यहाँ पर जो पंडित जी ने आपको जानकारी दी तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी ने कर्ण भगवान जी को अंतिम संस्कार किया था ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो क्योंकि उन्होंने कौरव का साथ दिया था इसीलिए वो मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते इसीलिए स्वयं भगवान आए और उनका यहाँ पर अंतिम जो संस्कार होता है वो की और वो सीधा भगवत धाम भगवान के यहाँ। तो भाई अभी संजू बुला भी यहाँ पर है और पिठाई लगा रहे हैं उसके बाद हम आपको कर्ण भगवान जी का मंदिर दिखाते हैं और कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग भी आ रखे हैं ये देखिए। तो भाई जो हमारे साथ के हैं हाँ दे दूँगा और जो हमारे साथ के हैं उनके लिए भी प्रसाद लेकर जाएंगे हम यहाँ से। तो भाई हम मंदिर में आ रखे हैं और उनको भी थोड़ा बहुत प्रसाद देंगे। तो यहाँ पर सामने पेड़ है और यहाँ पर देखिए तो छोटी सी कृष्ण भगवान जी हैं हमारे और संजू बुला अभी यहाँ पर देखिए ब्लॉग बना रहा है और यहाँ पर है कर्ण भगवान। तो यहाँ पर कर्ण भगवान जी हैं देखिए साक्षात इनके दर्शन आप कर सकते हैं
कर्ण भगवान भाई बहुत ही बढ़िया महारथी थे, और यह आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा, ये देखिए भाई। तो झूला भी है यहाँ पर, कृष्ण जन्माष्टमी में मनाई होगी कृष्ण जन्माष्टमी, तो यहाँ पर झूला भी अभी वहीं पर रखा है। तो ये देखिए भाई, धनुष भी उनका है, जो चक्र है पीछे से उनको पकड़ रखा है चक्र को। और देखिए भाई यहाँ पर बहुत ही सुंदर माता, अब लगाओ आप स्वयं कृष्ण भगवान आए थे कर्ण जी को मोक्ष प्रदान करने के लिए, और सामने कृष्ण भगवान जी की भी मूर्ति है। और संजू गुला का ब्लॉग तो हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों हम गए थे ऊपर से, प्रवेश द्वार यहाँ से है, और ये देखिए यहाँ पर सीधा ये पुल के सामने जहाँ पर महिंद्रा फाइनेंस है, तो वहाँ से आप सीधा यहाँ पर प्रवेश द्वार यहाँ पर है। तो गाइस, तो जहाँ पर हम गुफा में जा रखे थे, तो वो है ये देखिए भाई यहाँ पर है। यहाँ से भाई काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो पत्थर देखिए गाइस, बहुत ही भयंकर पत्थर है, और उसके ऊपर से मकाने भी हैं कुछ, ये देखिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से, लोकेशन यहाँ से दिख रही है। तो अंधेरा भी होने वाला है, तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने सेंटर में। तो यहाँ पर अभी संजू बुला भी खड़ा है, और पिंडर नदी का, ये पिंडर नदी से आ रहा पानी ना, हाँ, तो पिंडर नदी से आ रहा पानी, और यहाँ पर काफ़ी सुंदर सी हवा चल रही है अभी। तो इसके बाद थोड़ा स्नान करेंगे और थोड़ा सा रोड धुलेंगे, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पर, क्या बताएं आपको। लाइट यहाँ पर दिख रही है आपको, देखो भाई शाम का समय है, अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना यहाँ पर जो भी मिलेगा वो प्याज टमाटर वाला मिलता है, लहसुन वाला मिलता है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखते हैं यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर फल फ्रूट ही खाना पड़ेगा, नहीं तो अगर दूध मिल गया तो दूध ही में खाएंगे, और क्या कर सकते हैं यार, समस्या होती भाई। जो प्याज टमाटर नहीं खाते हैं, मीट वगैरह मांस वगैरह नहीं खाते हैं, उनको बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही दिक्कत होती है, नहीं बोला। तो क्या करें अब, तो अब बाहर आ रखे हैं भाई, तो कहाँ मेर मिलेगा, होटल में कहाँ मिला घर। तो अभी इस समय आती है घर की याद, माँ कसम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।